ऑर्गेनिक मैटर को एडप्ट करें। अच्छा, फिर मैंने बात की थी कि मैं इसकी आइडियल रिक्वायरमेंट बताने के बाद फिर थोड़ा सा हम इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान में इसको ग्रो कैसे करना है। तो उसके लिए पार्शियल शेड रिक्वायर्ड होता है अंडर टनर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं। हमारे पंजाब में टनल फार्मिंग भी हो रही है, लोग खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च और चिली बाकी सारी क्रॉप्स भी लगा रहे हैं इसमें। और ड्रिप इरिगेशन भी पंजाब गवर्नमेंट का इसमें इनिशिएटिव भी है, वो सबसे 75% पे सपोर्ट करते हैं और इसको इंस्टॉल करके दे रहे हैं, और बहुत सारे एकड़ अंडर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी है। हम उसी एरिया को जो अंडर टनल है और अंडर ड्रिप है उस पर हमारा फोकस है कि उसको अंडर जिंजर आहिस्ता आहिस्ता लेके आया जाए। मतलब एक फार्मर के 10 एकड़ पे टनल फार्मिंग है, तो वो 1 एकड़ में जस्ट एक कनाल पे या इसको कुछ मरलों पे बेशक टेस्ट करें, और जो हमारी ये आज की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है इसको हमने अपडेट करके प्रिंट भी कर दिया है, इंशाल्लाह वो भी आपको मिल जाएंगे, तो उसके मुताबिक इसको लगाए तो ये उसको एक हाई वैल्यू क्रॉप उसकी ऐड हो सकती है। उसमें एक मेन टिप ये है कि इसको इतने एरिया पे लगाएं जितना आसानी से इसका अच्छा सीड आपको मिल जाए, और फिर उसको आप सीड को मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएं। क्योंकि पहले साल जैसे डॉक्टर इकबाल साहब ने आपको बताया कि पहले साल इसमें प्रॉफिट मार्जिन इसलिए नहीं है कि अगर एक बंदा इसको टनल इंस्टॉल करेगा जिंजर पर्पज के लिए, ड्रिप इरिगेशन इंस्टॉल करेगा, फिर ऊपर शेडिंग नेट भी लेगा, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने की वजह से फिर उसने सीड भी लेना है, तो फिर पहले साल वो प्रॉफिट एक्सपेक्ट वो ना करें। फिर जब उसका सीड बन जाएगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर आने वाले सालों में उसको इससे ज़रूर प्रॉफिट होगा। और पोटवार रीजन इसके लिए बहुत पोटेंशियल एरिया है, ना सिर्फ हम अपनी मुल्की जरूरत पूरी कर सकते हैं बल्कि हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सिर्फ 10,000 हेक्टेयर पर हम एवरेज से यील्ड ले लें तो हमारी मुल्की ज़रूरत पूरी हो जाएगी उसी टाइम तो, और हमारे पास लाखों एकड़ राजी मौजूद है। अच्छा, फिर ये इसमें है कि ब्लैक नेट या ग्रीन नेट 50% भी और 70% भी। फिर ये चिक्के होती हैं सरकंडा की, सिरकी भी कहते हैं उसे, हर जगह से मिल जाती हैं, हर सारे एरियाज में सस्ती भी हैं, तो उससे भी काम चला सकते हैं। हैंडलिंग इसकी मुश्किल है, लेकिन ये कि इससे भी अगर किसी को नेट अवेलेबल नहीं है, वो स्मॉल स्केल पे अपने घर की ज़रूरत के लिए लगाना चाहता है, तो वो इससे भी काम चला सकता है।